सबसे पहले तो सभी मीडिया के भाइयों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकसभा अजमेर लोकसभा क्षेत्र के संयोजक आदरणीय सुरेश सिंह जी राव साहब, हमारे बड़े भाई मेरे बड़े भाई और हमारे पूर्व मंत्री और अजमेर उत्तर से विधायक आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष और बहुत जुझारू हमारे देहात को संभालने वाले आदरणीय श्री प्रोफेसर बी पी सारस्वत जी, मेरे बड़े भाई साहब और अजमेर शहर के अध्यक्ष भाई श्री शिव शंकर जी अड्डा साहब, भाई श्री नीरज जी जैन साहब अविनाश जी भाई साहब, श्री मोहित जी अनिश जी दीपक जी और यहाँ पधारे हुए सभी मेरे मीडिया के भाइयों नीरज जी मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपका बहुत सहयोग रहा और आपके सहयोग के बगैर सहित जो कल मतदान के दिन जो स्थिति बनी थी जो उसमें आपका ये बहुत बड़ा सहयोग था, आपके तो वोट थे ही उसके साथ साथ आपका सपोर्ट भी था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल मतदान हुआ उसमें 3600 लोगों का साथ था, एक भारतीय जनता पार्टी 3600 लोगों को साथ लेके चलती है, 3600 लोगों के साथ था हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे बूथ स्तर जो कार्यकर्ता था एकजुटता से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सहयोग दिया और उसी की वजह से खुशी की बात है कि हम अजमेर लोकसभा क्षेत्र के आठों विधानसभा में हम भारी बढ़त लेकर जो 23 मई को जो डिक्लेयर होंगे उस दिन आठों के आठों विधानसभा क्षेत्र से जीत लेकर बढ़त लेकर हम ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो योजना लाकर जो अधूरे काम जो रह गए हैं उनको पूरा करेंगे और नई योजना लाकर अजमेर लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सबका जो सहयोग रहा उसके लिए मैं आपका पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे जो बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व ने जो जो सहयोग और समर्थन दिया, और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह का आप सहयोग बनाए रखें और जो भी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो कोई और समस्या और क्या अपन कर सकते हैं अच्छा उसके लिए भी आपके सुझाव हमेशा आप देते रहें, यही मैं आपसे निवेदन करूँगा। ऐतिहासिक यहाँ ऐतिहासिक जीत होगी, यहाँ देखो फिगर तो जब बैठे मिलेगी जब पूरी गिनती तो तब होगी, और तो मैं ये कहूँगा आज तक का अजमेर लोकसभा क्षेत्र का जो जो जीत हुई है आज तक की उसका उससे भी भारी मतों से ऐतिहासिक जीत होगी और आठों विधानसभा क्षेत्र में जीत होगी, आठों विधानसभा क्षेत्र। कल सरकारी मशीनरी एक पार्टी बनकर कांग्रेस की एक पार्टी बनकर उन्होंने काम किया, हमारे बूथ अध्यक्ष है उसको उठा के लेके चले गए। जब कांग्रेस का जिला अध्यक्ष फर्जी वोट डलवा रहा था तो हमारे बूथ अध्यक्ष ने ऐतराज किया तो उन्होंने ऊपर SP साहब को कहके और उसको उठवा लिया वहां से, आखिर 151 के अंदर सरवार ले जाके फिर वो अधिकारी नहीं मिले, दिन भर वो था कि वो देखे उलझे था और उसकी जमानत करवानी पड़ी। हर जगह मैंने देखा, आकोड़िया के अंदर एक फ्यूल था सरकारी, वो 3 महिलाएं जो उनकी बहुत कम नजर थी उनको दिख नहीं रहा था तो उनके पोते बेटे लेके गए थे मेरे सामने की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं वो खुद भी लो जाके, उन्होंने तीसरा बटन दबाया फिर वो हल्ला हो गया, मैं खुद गया हूँ, फिर उसने माफी मांगी है। मैंने कहा तेरे क्या अधिकार है जो तुम वहां जाके, इस तरह के कई जगह जानबूझकर इन्होंने
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पर जनता जनार्दन है, उन्होंने ठान ली कि कमल को फूल को खिलाना है और नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, मैंने कलेक्टर को बोला, एसपी को बोला, फोन पे बोला, मैंने सबको कल मैंने केकड़ी में सबसे बड़ी मसूदा में केकड़ी में हमारे किशन डोर दूधू के अंदर बार बार इस तरह की लड़ाई हो रही थी। मैंने जयपुर कलेक्टर से बात करी, अजमेर एसपी से, एसपी और कलेक्टर से बात करी, सबको फोन करके कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे ये फर्क पड़ा कि हमारे को और अधिक मत मिले, फिर हमारा कार्यकर्ता और जोश में आ गया और ज्यादा उन्होंने कमल के फूल के ऊपर बटन दबाया।